एंड दिस इज़ द मेन्यू कार्ड. तो डिसाइड करते हैं क्या खाना है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल. और टुडे वी हैव कम टू चौपाल. ये GIP नोएडा में है एक रेस्टोरेंट और यहाँ काफ़ी सारी थालीज अवेलेबल है. उसके अलावा और भी चीज़ें हैं. तो मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. लेट्स सी कैसा होता है इसका टेस्ट. तो अगर हम कभी भी कहीं डाइन आउट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है और उस जगह में सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, हाइजीनिक है या नहीं है. तो हाइजीन वाइज और सिटिंग अरेंजमेंट वाइज ये जगह मुझे अच्छी लगी. हमारी पहली डिश चिली पनीर कैसा है. चिली पोटैटो. नो नॉट हनी चिली पोटैटो. दिस इज ओनली पोटैटो. चिली पोटैटो. हाउ इज इट. स्पाइसी. टेस्टी. लुक्स टेम्पटिंग. ये है हमारी अमृतसरी थाली. तो हमने अमृतसरी थाली ऑर्डर की थी और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें इस थाली से, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा टेस्टी नहीं थी. सब्जियां जितनी भी थी और उसके अलावा राइस भी नहीं दिए हुए थे इसमें. नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड वाज डोसा. और प्लेन डोसा ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे बेटे ने ऑर्डर किया था. वो मसाला नहीं खाता. वो ठीक था लेकिन सांभर कोई खास अच्छा नहीं था. चटनी ठीक ठाक थी, क्रिस्पी था डोसा. और हमने चाइनीज़ में ऑर्डर किया था चिली पनीर ग्रेवी और साथ में वेज नूडल्स. काफ़ी स्पाइसी थे वो. मैं स्पाइसी पसंद करती हूँ तो मुझे ठीक लगे. जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है उन्हें अच्छे लगेंगे. डोसा संभाला जा रहा है. बिग वाला वो मैडम जी तो पानी पिए जा रही हैं. कैसी लगी थाली. हाउ इज़ द टेस्ट. हाँ ये तो ठीक है. ठीक ठाक. पर यार कॉम्बिनेशन अजीब सा दिया है. मैं दो रोटी और एक राइस वाइस तो देते कुछ. राइस नहीं है इसमें. चिली पनीर एंड नूडल्स दे टेस्टी बट अ लिटिल स्पाइसी. तो जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी उसमें जो प्रॉपर स्पाइसेस का एक बैलेंस होता है वो नहीं मुझे लगा. थोड़ा सा खाना जो था स्पाइसियर साइड पे लगा. तो जिनको स्पाइसी पसंद है वो तो खा लेंगे. जिनको नहीं पसंद है, मतलब हमने जो चीज़ें ऑर्डर करी, मैं बाकी चीज़ों के बारे में तो बात नहीं कर सकती, बट वो थोड़ी सी हमें स्पाइसी लगी. एंड हाउ इज द चटनी. डोसा खा ले. अच्छा है. देखो भी टेस्ट करना. उसको भी दो हैरी. सांबर टेस्ट करना एक बार. तो कई कई जगहों पे हम विज़िट करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम इसके बाद यहाँ नहीं आएंगे. तो हमारा जो एक्सपीरियंस था इसके साथ कुछ ऐसा ही है. शायद इसके बाद हम यहाँ विज़िट नहीं करेंगे. और सब कुछ जो था ऑन अ स्केल ऑफ 5 अगर हमें रेट करना हो तो शायद हम उसको 2.5 ही देंगे. मतलब मैं बेसिकली. और राइस भी हमें अलग से ऑर्डर करने पड़े. 30 रुपीज़ के थे वैसे तो, बट थाली में राइस और रोटी जब तक दोनों ही चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता. कैसा लगा. मिर्ची. मिर्ची तो है इसमें बच्चों के हिसाब से ज़्यादा. मैं ही कर पाऊँगा इसको. नहीं मैंने भी खाया. मेरे को मैं तो मिर्ची खा ही लेती हूँ ना. तो आज हमने ट्राई की चौपाल रेस्टोरेंट जो कि GIP मॉल के फूड कोर्ट में है. उसकी थाली और कई तरह की थाली की ऑप्शन यहाँ पे है. उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी बहुत टेस्टी थी और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग थी. तो आपको एक बार ट्राई आप कर सकते हैं अगर चाहें तो.